हेलो दोस्तों, दैनिक भास्कर में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की रेलवे ग्रुप डी और एएलपी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी जो आपने मॉक टेस्ट एनरोल किया है, जो कि 6 मई को होने वाला है, वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, जो कि आपका आने वाला रेलवे एग्जाम है उसके लिए। तो दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है, ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक के साथ स्टेट रैंक एंड आरआरबी जोनल रैंक मिलती है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप एडिशनल वीडियोस जो है वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल वाले टैब में जाना है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियोस दिख जाएंगे। सो वेल फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसका टॉपिक है भक्ति मूवमेंट। अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, जो कि मेडिवल इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे। उसी के कॉन्टेम्प्रेरी भक्ति मूवमेंट हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ, और कुछ भक्ति सेंट इंडिया में आए, जिन्हें आप सोशल रिफॉर्मर, सोशल एक्टिविस्ट मान सकते हैं, जिन्होंने उस समय समाज की जो भी प्रथाएं थी, सोशल इवेल्स थी, उनको दूर करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए। और कहा जाता है कि एक भक्ति का नया मार्ग, एक न्यू पाथ उस समय इनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। कर्म कांड सिस्टम, जो ब्राह्मणों का एक डोमिनेट जो उस समय करती थी ब्राह्मण सोसाइटी, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, बिगेन इन साउथ इंडिया इन 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट माना जाता है। 7th सेंचुरी से हम आपको मतलब समझा दें, इसका मतलब है 1601 से भक्ति मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ, 601 AD से, लेड बाय 12 अलावर एंड 63 नयनार शैवाइट्स। एक सेग्रीगेशन किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। कहा जाता है उस समय हिंदू धर्म में वैष्णव यानी भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को मानने वाले, एंड शैवाइट्स यानी लॉर्ड शिवा की वर्शिप करने वाले, तो उनको अलावर सेंट और शेवाइट्स या नयनार सेंट के नाम से जाना जाता है। अलावर सेंट वो सेंट थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लॉर्ड विष्णु को अपना ईस्ट देव और मेन गॉड मानते थे। इनको शेवाइट्स भी कह सकते हैं, और कहा जाता है ये 12 संत थे। इसके अलावा 63 नयनार कहलाते हैं, जो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। कुछ इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स, उनकी फिलॉसफी के बारे में अगर डिस्कस करें, तो कहा जाता है रामानंद, जो कि फर्स्ट ग्रेट सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया माने जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कबीर दास जी के गुरु जी इनको माना जाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछा गया, कबीर दास जी के गुरु जी कौन थे, तो आप उसका आंसर बताएंगे, रामानंद जी, और रामानंद जी के गुरु रामानुजाचार्य को माना जाता है। उसके बाद इसके अंदर दूसरे सेंट आते हैं वल्लभाचार्य, फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग, पाथ ऑफ ग्रेस। इनकी जो थ्योरी है वो हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट है, कहा जाता है मोस्ट प्रोमिनेंट वैष्णव सेंट माने जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने पिक्चर में दिखाया हुआ है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, एंड लॉर्ड कृष्णा का इनको गौर वर्ण का इनकारनेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। बंगाल में इनका जन्म हुआ। हिंदू धर्म में कीर्तन की जो थ्योरी है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई, और इनके ही द्वारा एक महामंत्र दिया गया, जिसको आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के नाम से जानते हैं, जो आज एस्कॉन टेम्पल का महामंत्र माना जाता है। प्रभुपाद शील जी महाराज, जो एस्कॉन टेम्पल के फाउंडर गुरु माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को ही एस्कॉन टेम्पल डेडिकेट किया गया उनके द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड कृष्णा के भक्त माने गए। इसके बाद नामदेव, जो कि बाय कास्ट टेलर थे, बाद में बहुत बड़े संत बने। तुलसीदास जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, रामचरितमानस इनके द्वारा लिखी गई, विनय पिटक और कवितावली इनकी अन्य रचनाएं हैं, जिसमें रामचरितमानस हिंदुओं के एपिक के रूप में इस्टेब्लिश है। सूरदास जी, जो लॉर्ड कृष्णा को अपना इष्ट देव, अपना मेन गॉड मानते थे, इनके द्वारा सुरसावली, साहित्य रत्ना और सुरसागर नाम की किताबें लिखी गई। कबीर दास जी की थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। इनकी थ्योरी का नाम है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को आप मान सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉन डुअलिटी, यानी सोल एंड गॉड एक ही हैं। आइडल वर्शिप
के अगेंस्ट ये थ्योरी मानी जाती है और इसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। कबीर दास ने निर्गुण भक्ति दी और आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज़ किया। ये बिलोंग करते थे एक फैमिली से जो कि एक जुलाहा वीवर फैमिली थी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट में अगर हम बात करें तो उसमें इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स में गुरु नानक जी आते हैं और कहा जाता है इनकी थ्योरी को भी निर्गुण भक्ति कहा जाता है। नॉन डुअलिटी यानी आइडल वर्शिप के गुरु नानक भी अगेंस्ट थे और उस समय चलने वाले समाज के जितने भी कर्म कांड को जिस तरह से स्ट्रिक्टली जो क्रिटिसाइज़ किया वो कबीर दास जी ने किया और उसके बाद गुरु नानक जी का नाम आता है। उस समय चलने वाली जितनी भी सोशल इविल्स थी उन सब का विरोध इन दोनों संतों के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र से ज्ञानेश्वर जी का नाम आता है। इन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम से एक कॉमेंट्री भगवद गीता के ऊपर लिखी। रामदास जी की अगर बात करें तो ये शिवाजी के गुरुजी थे और ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछा गया कि शिवाजी ने स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है वो एक स्पिरिचुअल गुरु शिवाजी के वो कौन थे, तो वो रामदास जी को माना जाता है। जबकि शिवाजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव गुरु थे जिससे उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी वो दादाजी कौनदेव थे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एरिया को रामदास जी बिलोंग करते थे और इनकी एक बुक बहुत फेमस है दास बोध, जो कि कंपटीशन में कई बार इस बुक को पूछा गया है कि इसका राइटर कौन है, तो आप बताएंगे रामदास। उसके बाद मीराबाई एक दूसरी सेंट जिनके बारे में कहा जाता है राजपूत फैमिली को बिलोंग करती थी और भगवान कृष्ण को अपना इष्ट देव मानती थी, जैसा कि ये हमने पिक्चर में भी शो किया है। इनकी भक्ति को डुअलिटी नाम दिया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, यानी इसको सगुण भक्ति बोला जाता है, जिसमें आत्मा एक आइडल वर्शिप एक इमेजिनेशन करके परमात्मा की पूजा करती है। सन ऑफ राणा सांगा के साथ इनकी मैरिज हुई जिसका नाम था भोजराज। उसके बाद माधवाचार्य के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने द्वैतवाद की फिलॉसफी को एस्टैब्लिश किया। ये द्वैतवाद वही फिलॉसफी है जैसा हम अभी आपको बोल रहे थे डुअलिटी, जिसमें आत्मा और परमात्मा को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले शंकराचार्य जी ने नॉन डुअलिटी को एस्टैब्लिश किया, लेकिन समाज नॉन डुअलिटी निर्गुण भ्रम की भक्ति को समझ नहीं पाया। उसके बाद 1200 शताब्दी में 1280 में माधवाचार्य ने आकर एक द्वैतवाद की भक्ति एस्टैब्लिश की, यानी आइडल वर्शिप का जन्म और जो फाउंडर है वो माधवाचार्य जी को माना जाता है। इस स्लाइड में हम आपके साथ जितने भी सिख गुरु हुए उनके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, सिखों में 10 गुरु माने जाते हैं और 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के रूप में एस्टैब्लिश किया गया सिख धर्म में। इनमें सबसे पहले गुरु गुरु नानक जी का नाम आता है। ये इनका टाइम पीरियड की टेबल है और कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु एंड एस्टैब्लिश नानक पंथ। उसके बाद गुरु अंगद जी के बारे में जो कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको गुरमुखी स्क्रिप्ट का फाउंडर माना जाता है। गुरमुखी स्क्रिप्ट जो कि पंजाबी लैंग्वेज में आती है वो गुरु अंगद के द्वारा एस्टैब्लिश की गई। पंजाबी बोली जाती है और गुरमुखी उसकी स्क्रिप्ट है, जैसे हम बोलते हैं हिंदी बोली है लेकिन देवनागरी उसकी स्क्रिप्ट है, इस तरह से गुरमुखी पंजाबी की स्क्रिप्ट मानी जाती है। गुरु अमरदास जो कि तीसरे गुरु थे सिख धर्म में, उनके द्वारा स्ट्रगल की गई अगेंस्ट सती सिस्टम को लेकर और पर्दा प्रथा को लेकर, तो इनको एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर भी माना जाता है सिख गुरुओं में। उसके बाद गुरु रामदास जी चौथे गुरु आए और कहा जाता है कि इनको ही अकबर के द्वारा एक लैंड ग्रांट में दी गई, उसी लैंड पर आज अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एस्टेब्लिश है जिसको आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के बारे में हमने आपके साथ बातें डिस्कस की थी। गुरु ग्रंथ साहब के फाउंडर इनको माना जाता है, इन्होंने ही कंपोज किया आदि ग्रंथ साहब को। और उसके बाद कहा जाता है एम्परर जहांगीर के द्वारा इनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और बाद में इनको सेंटेंस टू डेथ दी गई, क्योंकि जहांगीर के जो रेबल सन थे खुसरो उनको इन्होंने शरण दी थी। सिक्स्थ सिख गुरु में गुरु हर गोविंद जी का नाम आता है और कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म सिख इनटू मिलिटेंट कम्युनिटी। गुरु अर्जन देव के बाद से ही जितने भी आके के सिख गुरु आए उन सब के डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट मुगल एम्परर्स के साथ रहे
और कहा जाता है सिखों को एक लड़ाकू दल में कन्वर्ट करने का जो क्रेडिट है वो हरगोविंद जी को जाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की और कहा जाता है कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया, हेडक्वार्टर किरथरपुर से कश्मीर हिल्स में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद गुरु हर राय सातवें पातशाही सातवें गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है दारा शिकोह से इनकी मुलाकात हुई जो कि औरंगजेब के ब्रदर माने जाते हैं और शाहजहाँ के बेटे इनको कहा जाता है। उसके बाद गुरु हरकिशन जी के बारे में हम आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे, बंगला साहब गुरुद्वारा जो कि दिल्ली में है वो गुरु हरकिशन जी आठवीं पातशाही को डेडिकेटेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट गुरु माने जाते हैं ये। नाइन्थ गुरु गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के कॉन्टेम्प्रेरी थे और औरंगजेब के द्वारा इनको सेंटेंस टू डेथ दिया गया, इनका शीश काटा गया और शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में इन्हीं को डेडिकेटेड है। उसके बाद दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह आते हैं इन गुरुओं की लिस्ट में, जिनका जन्म पटना में हुआ और इनके नाम से एक गुरुद्वारा पटना में इस्टेब्लिश है। गुरुशिप का ये एंड था और इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ 1699 में इस्टेब्लिश किया गया। इन्हीं के द्वारा जो आज वर्तमान में सिख रूप आप देखते हैं पगड़ी, वो इनके द्वारा ही शुरुआत की गई सिख रिलीजन में। ये क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप आंसर बताएंगे गुरु गोविंद सिंह। और अगर आपसे पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना कौन सी सेंचुरी में हुई, तो आप बताएंगे 17th सेंचुरी लेटर। सो फ्रेंड्स, रिलीजियस मूवमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सूफी मूवमेंट। जैसे अभी हमने आपके साथ जो भक्ति मूवमेंट डिस्कस किया उसमें हिंदू सेंट हमने आपको बताए, उन्हीं के कॉन्टेम्प्रेरी एक सूफी मूवमेंट साथ साथ चल रहा था। सूफी क्या है थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। ये वो सेंट होते थे मुस्लिम्स में जो कुरान की बहुत लिबरल एक्सप्लेनेशन देते थे, उसको बहुत लिबरली एक्सप्लेन करते थे और ये सफ़ेद कलर का एक साफ़ा एक चोगा पहनते थे जिससे इनका नाम सूफी पड़ गया, उस साफे से इनको सूफी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट था ये इस्लाम में, इन्होंने इस्लाम की बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दी और ये भी कर्म कांड के बहुत ज़्यादा विरोधी थे और ईश्वर और अल्लाह के साथ ये एक संबंध स्थापित करने में बिलीव करते थे। ऐसा कहा जाता था कि सूफियों में इनके सिलसिले माने जाते हैं और 14 सिलसिले सूफी मूवमेंट में बताए जाते हैं, जिसमें दो फेमस है चिश्ती एंड सोहरावर्दी। चिश्ती सिलसिला कहा जाता है मोइजुद्दीन चिश्ती जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया में आने वाले पहले सूफी मोइजुद्दीन चिश्ती जी को माना जाता है। 1192 में ये हिंदुस्तान आए। एक क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है मोइजुद्दीन चिश्ती जिस समय हिंदुस्तान में आए उस समय इंडिया में कौन अटैक कर रहा था, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गौरी मोइजुद्दीन चिश्ती केम इन इंडिया एंड ही वॉज द फर्स्ट सूफी केम इन इंडिया एंड ही एस्टेब्लिश हिज खानकाह एट अजमेर। इन्होंने अजमेर में अपनी खानकाह इस्टेब्लिश की। खानकाह को हम बोल सकते हैं एक तरह से आश्रम इन्होंने वहाँ पर बनाया और कहा जाता है अजमेर में ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ा जो बाद में दरगाह का रूप ले गई। उसके बाद कहा जाता है मोइजुद्दीन चिश्ती जी के जो आगे के डिसाइपल थे वो हमीदुद्दीन नागौरी जी को माना जाता है। कुतुब मीनार के बारे में जैसा हमने आपको बताया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेटेड है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, ये भी चिश्ती सूफी माने जाते हैं। और कहा जाता है हिज डिसाइपल वॉज फरीदुद्दीन गजे शंकर। उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया भी बहुत बड़े सूफी संत माने गए जिनकी दरगाह दिल्ली में स्थापित है और कहा जाता है वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद। बाबा फरीद भी एक बहुत बड़े सूफी सेंट थे। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबा फरीद चिश्ती सिलसिला दो शाखाओं में टूटा जिसको बोला जाता है निज़ामिया एंड सबरिया। सबरिया ऑर्डर जो है वो साबिर पाक ने रुड़की में इस्टेब्लिश की वो शाखा और उसके बाद निज़ामिया शाखा ही निज़ामुद्दीन औलिया उसके फॉलोवर माने जाते हैं। अकबर जनरली डिवोटेड टू सलीम चिश्ती ऑफ फतेहपुर सीकरी, जैसा हमने आपको अकबर के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया था, सलीम चिश्ती जी की ब्लेसिंग से ही अकबर को बेटा प्राप्त हुआ जिसके कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। उसके बाद इसमें दूसरा जो ऑर्डर है वो है सोहरावर्दी।
सोहरावर्दी इंडिया में आए और बहुद्दीन जकारिया जो कि मुल्तान से थे उन्होंने इंडिया में सोहरावर्दी शाखा की स्थापना की। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। चिश्ती और सोहरावर्दी दोनों ही नॉन डुअलिटी माने जाते हैं सूफी, लेकिन चिश्ती और सोहरावर्दी में एक छोटा सा डिफरेंस है जो अक्सर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। कहते हैं चिश्ती सिलसिले के जितने भी सूफी थे वो सब के सब रॉयल पेट्रोनेज से दूर भागते थे, यानी अपने आप को डिटैच करते थे रॉयल ऑर्डर से, रॉयल मेलजोल से, यानी जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे उनके साथ ज़्यादा मेलजोल चिश्ती सूफी के सूफियों ने नहीं रखा, जबकि सोहरावर्दी रॉयल अटैचमेंट को बहुत अच्छा मानते थे और अक्सर बड़े बड़े सुल्तानों के साथ इनको देखा जाता रहा। तो ये एक छोटा सा अंतर बताया जाता है चिश्ती और सोहरावर्दी ऑर्डर के सूफियों की थ्योरीज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो आप दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप examformula.com पे लॉग इन कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रेलवे एग्जाम।